बिग बॉस 15 के लेटेस्ट एपिसोड में जंगल वासियों को एक मुख्य घर में जाने के लिए टास्क दिया गया। इस टास्क के दौरान पहली बार जंगल वासी आपस में भिड़ते दिखे। इस टास्क का संचालक शमिता शेट्टी को बनाया गया और जंगल वासियों को तीन टीम टाइगर डियर और प्लांट में बांटा गया। इन तीनों टीम को गन्ने का जूस निकाल कर एक जार में भरना था। जिस टीम के जार में सबसे ज्यादा जूस होता है जीत उसी टीम की होती है। टीम टाइगर ये टास्क जीत जाती है। टाइगर टीम में विशाल कोटियान, तेजस्वी प्रकाश, जय भानुशाली और आकाशा सिंह होते हैं। शमिता ने विनर का ऐलान किया। इसके बाद टाइगर टीम ने डियर टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट सिम्बा नागपाल पर जहर डालकर उन्हें गेम से बाहर कर दिया। टास्क के अगले राउंड में सिम्बा नागपाल उमर रियाज पर कमेंट करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उमर रियाज और सिम्बा नागपाल के बीच बहस होती है। ईशान सहगल दोनों को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उमर को डियर टीम की डोनल बिस्ट से गन्ना छीनते हुए देखा जाता है, जिससे विवाद और बढ़ जाता है। सिम्बा उमर पर तंज कसते हैं कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वह यहाँ सिर्फ अपने भाई आसिम रियाज की वजह से है। उमर रियाज पहले सिम्बा की बातों को इग्नोर करते हैं और आखिरी में सिम्बा को बच्चा बोलते हैं। वह कहते हैं फाइनली सिम्बा के बच्चे ने अपना मुंह खोल दिया, वह सिम्बा बेबी कहते रहते हैं। सिम्बा उमर को गवार फट्टू रियाज कहने लगते हैं। सिम्बा कहते हैं भाई के दम पर पहुंचा है, तेरी कोई औकात नहीं है, तुम्हें अपने छोटे भाई से जलन होती है और इसीलिए तुम उसके जैसा बनना चाहते हो। बिग बॉस 15 से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें लहरे के साथ।